लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुदर्शन भगत शुक्रवार को लोहरदगा में विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल होने के लिए लोहरदगा आए हुए थे। इस दौरान जब उनसे राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा समर्थन दिए जाने से संबंधित सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मजबूरी और आदिवासी समाज के दबाव में ये फैसला लिया है। आज़ादी के 70 साल के बाद पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिल रहा है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूरी थी कि वह द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करे। सांसद ने कहा है कि जहां तक बाबूलाल मरांडी और सांसद निशिकांत दुबे के दिल्ली जाने की बात है तो ये सांगठनिक विषय है और इस पर वह बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा है, जिमेम की तो बाध्यता थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के आज़ादी के 70 साल के पश्चात एक आदिवासी समाज से भी कहा जाए और एक महिला के नाते द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, और मैं मानता हूं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूरी में और एक तरह से आदिवासी समाज के दबाव पर अपना निर्णय लिया है और हम इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं क्योंकि पहली बार देश की आज़ादी के पश्चात एक आदिवासी समाज से एक महिला को यह अवसर राष्ट्रपति बनने का यह एक मौका मिल रहा है। और माननीय बाबूलाल जी, माननीय निशिकांत जी, अब दिल्ली अब किस विषय पर गए हैं, दिल्ली ने क्यों बुलाया है, ये संगठनात्मक विषय है, हम इस विषय पर अधिक हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र वाली विषय नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।